नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर काव्य गोष्ठी में एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पटल पर और प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हमारे इस काव्य संध्या में बहुत विशिष्ट है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय मधु मधुमन जी और आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी। आप दोनों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार राजुल जी, बहुत बहुत आभार स्नेहिल आमंत्रण के लिए, बहुत नमस्कार। आज मुझे बहुत हास लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दो ऐसे लोग ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को तो पहले भी इस पटल पर वो कई बार आए हैं और दो बार आए हैं शायद पहले, और बहुत उनसे स्नेह संबंध रहा है, बहुत अच्छे से हमेशा वो आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। मधु मधुमन जी को के बारे में सिर्फ सुना करती थी और आज उन्हें प्रत्यक्ष देख रही हूँ और अपने बीच पा रही हूँ, और मैं यही कहूँगी कि जितना सुना था शायद कहने वाले ने कुछ कम कहा था, कुछ और भी कहना चाहिए था। बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए आज का ये दिन, आज की ये शाम। परिचय मैं क्या दूंगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं बता रही हूँ। आदरणीय मधु मधुमन जी ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं महिला काव्य मंच की, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि बहुत विस्तृत रूप से साहित्य साधना में लगी है। अंग्रेजी की अध्यापिका रही हैं और हिंदी और उर्दू पर इनका इतना जबरदस्त कमांड है कि बस देखते ही बनता है कैसे उसकी वानगी अभी आगे मिलेगी जबकि हम इनकी कृतियों की बात करेंगे। गजल, नज्म, गीत, दोहे, छंद, माहिया, इन सभी की जानकार दिग्गज विद्वान हैं। प्रकाशित कृतियां हैं काव्य संग्रहों में दिल की गिरह से, ख्वाबों के दरमियां और ओस की बूंदें। बड़े खूबसूरत नाम है और बड़े ही रोमांटिक से नाम है, बहुत अच्छा लगा। ये नाम ही इतने टेम्पटिंग है कि बस जी करे कि हाथ में किताब लें और पढ़ना शुरू कर दें। गजलों का संग्रह है, कई संग्रह हैं, लोबान द फ्रेग्रेंस, वक्त की दहलीज पर, धनक बाकी है, वाह, लम्हों की फुलकारी, अरे वाह। आठ साझा काव्य संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और इसके अलावा विभिन्न पत्रिकाओं में गजलें, कविताएं, नज्में प्रकाशित हुई हैं और अनेक सम्मानित मंचों द्वारा सम्मानित की जा चुकी हैं। जालंधर दूरदर्शन, टाइम टीवी, पटियाला रेडियो, हिसार रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया उर्दू रेडियो से प्रसारण हो चुका है। और रेडियो सुनने वाले ये जानते हैं कि ऑल इंडिया उर्दू रेडियो जो है वो कितना ख़ास और कितना मीठा और कितना जो कहते हैं ना कि बहुत खालिस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं। हालांकि मैं खुद विविध भारती से संबद्ध हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो खूबसूरती ऑल इंडिया उर्दू रेडियो में है वो शायद और कहीं नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी। बनारस की रसमयी धरती में जन्म हुआ है और आदरणीय मधु मधुमन जी पटियाला से हैं और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी बनारस से हैं। पद्य के साथ साथ गद्य में भी आपका समान अधिकार है। आप 1986 से कर्नाटक में हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु समर्पित हैं। वैसे तो अभियंता हैं, रोजगार से उद्यमी हैं और स्वभाव से कवि और लेखक हैं। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सहभागी रहे हैं। प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेलीफोन सलाहकार समिति बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदस्य भी रह चुके हैं। आपकी कविताएं और निबंध बैंगलोर विश्वविद्यालय, रीवा विश्वविद्यालय,
CMR विश्वविद्यालय और तमिलनाडु के अंडर ग्रेजुएट के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पुस्तकों के लेखन, प्रकाशन और संपादन के साथ साथ साहित्य की सेवा के लिए आपने बंगलौर में साहित्य साधक मंच की स्थापना की है, जहाँ से एक मासिक पत्र का निरंतर प्रकाशन हो रहा है, जिसके आप संपादक भी हैं। सम्मान और पुरस्कारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 में गीत संग्रह भोर की प्रस्तावना पर बलवीर सिंह रंग पुरस्कार मिला है आपको। 2016 में निबंध संग्रह संभव है पर बाबू गुलाब राय सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नराकास उपक्रम, नराकास बैंक बैंगलोर में जो स्थित है, इनके अलावा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका है। प्रकाशित कृतियां हैं, काव्य संग्रह है मिट्टी की पलकी, निबंध संग्रह है संभव है, बाल कविता संग्रह है बाल मन का इंद्रधनुष, निबंध संग्रह है खूंटी पर आकाश, दोहा मुक्तक संग्रह है उन्मुक्तिका, और गीत संग्रह है भोर की प्रस्तावना, जिस पर की पुरस्कार मिला है। तो आज ऐसे विद्वजनों के बीच खुद को बैठी हुई हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की इस शाम की शुरुआत करते हैं और आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से मैं विनती करूँगी कि वो रचना पाठ करें। स्वागत है ज्ञानचंद मर्मज्ञ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजुल जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। और मंच पर हमारे साथ मधु मधुमन है, एक तो मधु और दूसरा मधुमन, जिसका मन ही मधु हो, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा संयोग है। और मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रकाशक जैसे पटल पर, समृद्ध पटल पर मैं आज काव्य पाठ कर रहा हूँ, और वो भी मधु मधुमन जी के साथ। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं। एक दो मुक्तक और एक गीत मैं पहले सत्र में पढ़ूंगा। और लीजिए देखिए, गुनगुनाओ तो गीत होता है, गुनगुनाओ तो गीत होता है, वक्त ठहरा प्रतीत होता है, देख कर जुर्म चुप जो रहते हैं, देख कर जुर्म चुप जो रहते हैं, उनका मुर्दा अतीत होता है, उनका मुर्दा अतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत और एक और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मुक्तक देखें, जीते हैं अभावों में भी अमीर की तरह, जीते हैं अभावों में भी अमीर की तरह, रखते हैं आंसुओं को भी जागीर की तरह, रखते हैं आंसुओं को भी जागीर की तरह, सुख हाथ की लकीर में सिमटा ही रह गया, सुख हाथ की लकीर में सिमटा ही रह गया, दुख बढ़ता गया द्रौपदी की चीर की तरह, दुख बढ़ता गया द्रौपदी के चीर की तरह, जीते हैं अभावों में भी अमीर की तरह। मुक्तक के बाद आइए मैं गीत आप सबसे जोड़ना चाहता हूँ। मित्रों, जो भी पटल पर इसमें मौजूद हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और एक गीत मैं जिंदगी को जोड़ते हुए आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मित्रों, गीत जो है हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं के उच्च स्तर से निकल उभरती है, जहाँ आम आदमी पहुँच भी नहीं पाता। और जिंदगी की बात अगर हम वहां से करें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो संवेदनाएं जो शब्दों में उभर कर आती हैं, वो आप तक जरूर पहुंच पाएंगी। तो एक गीत से मैं आप सबसे पहले जुड़ रहा हूं। स्वागत। जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी,
जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी, जिंदगी भी उन्हें ढूंढती रह गई। जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी, जिंदगी भी उन्हें ढूंढती रह गई। गीत की चाह में शोर बोते रहे, गीत की चाह में शोर बोते रहे। शब्द की वेदना चीख पी रह गई। जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी। गीत का पहला बंद देखे। रेशमी स्वप्न की गोद में बैठकर, रेशमी स्वप्न की गोद में बैठकर, बादलों के शहर में भटकते रहे। रेशमी स्वप्न की गोद में बैठकर, बादलों के शहर में भटकते रहे। छू लिए चांद तारों की दुनिया मगर, छू लिए चांद तारों की दुनिया मगर, बूंद भर रोशनी को तरसते रहे। जो भी चाहा मिली वो खुशी उम्र भर, जो भी चाहा मिली वो खुशी उम्र भर। फिर भी आंखों में थोड़ी नमी रह गई। गीत की चाह में शोर बोते रहे, शब्द की वेदना चीख पी रह गई। जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी। और गीत का दूसरा स्पर्श देखें। रेत पर भींग कर शब्द रोते रहे, रेत पर भींग कर शब्द रोते रहे, कल्पना की अधूरी कहानी लिए। रेत पर भीग कर शब्द रोते रहे, कल्पना की अधूरी कहानी लिए। धूप की साधना भी पिघलती रही, धूप की साधना भी पिघलती रही, हाथ में आस की रात रानी लिए। यूं तो चलते रहे अनवरत रात दिन, यूं तो चलते रहे अनवरत रात दिन। जिंदगी जो रुकी तो रुकी रह गई। जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी, जिंदगी भी उन्हें ढूंढती रह गई। और ये गीत का आखिरी बंद है। मित्रों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कभी हमारे समझ में नहीं आता कि वो हमें मिलती क्यों नहीं है। तो आइए, इस अंतिम बंद के साथ मैं आप तक उस बात को पहुंचाना चाहता हूं। देख मधुमास को भूल जाना नहीं, हम हर चीज के पीछे दौड़ते हैं। देख मधुमास को भूल जाना नहीं, फूल की चाह में तितलियां भी तो हैं। देख मनोज जैन जी जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनिता बहुत सचदेव जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। गीत का अंतिम स्पर्श देखें। देख मधुमास को भूल जाना नहीं,
फूल की चाह में तितलियां भी तो हैं, बादलों में है पानी की बूंदे जहां, बादलों में है पानी की बूंदे जहां, गड़गड़ाती हुई बिजलियां भी तो हैं, तृप्ति ही पूर्णता का महामंत्र है, तृप्ति ही पूर्णता का महामंत्र है। क्या हुआ जो जरा सी कमी रह गई, जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी, जिंदगी भी उन्हें ढूंढती रह गई, गीत की चाह में शोर बोते रहे, गीत की चाह में शोर बोते रहे, शब्द की वेदना चीखती रह गई, जो नहीं ढूंढ पाए कभी जिंदगी। और बहुत सुंदर, एक बहुत एक गीत, मधुर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, राधे श्याम यादव जी जुड़े हैं, लिख रहे हैं, धूप की साधना फूल फूल की की चाह चाह में में तितलियां भी तो हैं। तितलियां भी तो हैं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर भाव और सुंदर भाव संयोजन आप लोगों ने इतना मन से सुना। और एक मैं मित्रों, पर्यावरण की बात अगर किसी काव्य कवि सम्मेलन में नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि कवि सम्मेलन कहीं न कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। एक मैं नदी की व्यथा को मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत है प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद और प्यार चाहूंगा। नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, और जीवन भर झंझावातों को, जीवन भर झंझावातों को कैसे सहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, दूर पहाड़ों की बस्ती से गांव हमारे आती हो, दूर पहाड़ों की बस्ती से गांव हमारे आती हो, लहरों से छालों को ढक कर कितने दर्द छुपाती हो, इतने घाव देह पर तेरे, इतने घाव देह पर तेरे, फिर भी हंसती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो। अलका प्रमोद जी, बहुत बढ़िया आपने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गीत का दूसरा स्पर्श देखें, तूने तो अमृत बांटा हम विष के तीर चुभोते हैं, तूने तो अमृत बांटा हम विष के तीर चुभोते हैं, विश्वासों के बादल हर दिन पानी बनकर रोते हैं, सारे जग की प्यास बुझा कर, सारे जग की प्यास बुझा कर प्यासी रहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो। और तीसरा पन देखें, मन के कोलाहल को कैसे लहरें गा लेती हैं, मन के कोलाहल को कैसे लहरें गा लेती हैं, निर्जन वन में वृंदावन को कैसे पा लेती हैं, निर्जन वन में वृंदावन को कैसे पा लेती हैं, और बहती हो लेकिन लहरों में, बहती हो लेकिन लहरों में ठहरी रहती हो, नदी वाह, तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो। और गीत का अगला पंक्ति देखें,
मुश्किल में कैसे जीते हैं हमको भी बतला दो, आप कैसे पीते हैं आंखों को सिखला दो, मुश्किल में कैसे जीते हैं हमको भी बतला दो, आंसू को कैसे पीते हैं आंखों को सिखला दो। और तटबंधों पर बिखरी कविता, तटबंधों पर बिखरी कविता, कैसे पढ़ती हो नदी तुम, कैसे बहती हो। और गीत का अंतिम स्पर्श देखें, पलकों के वीराने तट पर तुम अक्सर ही आती हो, पलकों के वीराने तट पर तुम अक्सर आ जाती हो, जाने क्यों ऐसा लगता है पीड़ाएं सहलाती हो, और जीती हो लेकिन सांसों में, जीती हो लेकिन सांसों में, तिल तिल मरती हो नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो, लेकिन लहरों में ठहरी रहती हो नदी तुम कैसे बहती हो, नदी तुम कैसे बहती हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पसंद किया और गीतों को सराहा, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र मुग्ध होकर झूम झूम करके सुनती रही आपकी गीत। कितनी सुंदर धुन और बहुत सुंदर शब्द संयोजन, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मधु जी। आदरणीय मर्मज्ञ जी, बहुत आपके जो शब्द चित्र बनते जाते हैं उनका तो कहना ही क्या है, कविता के साथ गीत के साथ जो बनते जाते हैं। एक फरमाइश मैं करे दे रही हूँ अगले उसके लिए। आपने फेसबुक पर एक रचना डाली थी, मुझे याद नहीं है कि वो रचना कौन सी थी, लेकिन बहुत पसंद आई थी, अभी हाल में ही डाली थी, तो अगली बार जरूर वो रचना सुनाए। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मधु मधुमन जी को। आदरणीय मधु मधुमन जी का के विषय में मैं परिचय दे चुकी हूँ, लेकिन एक बात जो रह गई है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं प्रमिला भारती जी, कहते हैं ना कि माँ हमेशा उंगली पकड़कर बहुत कुछ सिखा देती है, और माँ जो कहती है वो अच्छा होता है, सच्चा होता है। तो माँ ने जब मधु मधुमन जी का जिक्र किया, जैसा कि मर्मज्ञ जी ने कहा कि एक तो मधु और उनका मन भी मधु है, तो कुछ ऐसा ही माँ से भी सुनने को मिला। और ये बात सुनने के बाद मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं कभी उनको मिल पाऊं या उन्हें सुन पाऊं। तो आज वो दिन आ गया और मैं आप सभी की तरह मैं भी बहुत खुशी से और बहुत दिल थाम के, जिसको कहते हैं, उस तरह से बैठी हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मधु मधुमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी, आप इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, और प्रमिला जी बड़ी बहन की तरह इतनी ममतामयी हैं, उनसे थोड़े समय में ही ऐसे स्वागत लगता है कि बहुत प्रेम का व्यवहार हो गया, बहुत प्यार भरी हैं वो, और मुझे मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ गई, पता नहीं मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी कि नहीं। मैंने तो जब आपने बताया कि ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी के साथ पढ़ना है मुझे, तो मुझे लगा वो ज्ञान और मर्मज्ञ, मैं थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन जो भी है मैं दिल के एहसास लिखती हूँ, तो ज्यादा हर विधा में पारंगत नहीं हूँ, गजल ज्यादा लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ सब में, तो दोनों से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है, और स्वागत जो लोग भी सब जुड़े है हैं, मधु प्रमिला जी। भारती जी आदरणीय है, मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, और मेरी बहन अनीता सचदेव भी जुड़ी है, और सब लोग भी जो जुड़े हैं सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। और बात शुरू करती हूँ यूं कि 4 दिनों का खेल है ये जीवन संसार, 4 दिनों का खेल है ये जीवन संसार,
बांट सको तो बांट लो सबसे जी भर प्यार, बांट सको तो बांट लो सबसे जी भर प्यार। और बहुत शुक्रिया। और एक दोहा और कहती हूँ कि उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागे चाह, उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागे चाह। अंजलि गुप्ता जी जुड़ी हैं और निशी अरोड़ा जुड़ी हैं, स्वागत उन सबका। अंजलि भी बहुत अच्छी गजलकार हैं और भावांजलि चैनल चलाती हैं, निशी मेरी सिस्टर हैं, बहुत स्वागत। तो उड़ती चिड़िया देखकर मन में जागे चाह, मैं भी उड़कर नाप लूं नील गगन की था, मैं भी उड़कर नाप लूं नील गगन की था। बहुत शुक्रिया। और इसी चाह के साथ आगे कहती हूँ, राधेश्याम यादव जी स्वागत, प्रणाम आपको। तो गजल के शेर यूं कहती हूँ कि आप कुछ दिल में आरजू तो करें, आप कुछ दिल में आरजू तो करें, आसमानों की जुस्तजू तो करें, आप कुछ दिल में आरजू तो करें, आसमानों की जुस्तजू तो करें, मंजिलें खुद ही चल के आएंगी, मंजिलें खुद ही चल के आएंगी, राह में एक कदम शुरू तो करें, राह में एक कदम शुरू तो करें। बहुत शुक्रिया। और इतना मुश्किल नहीं फलक छूना, इतना मुश्किल नहीं फलक छूना, काविशों को जरा नमू तो करें, काविशों को जरा नमू तो करें, और दूर हो जाएंगे गिले शिकवे, दूर हो जाएंगे गिले शिकवे, बस जरा मिल के गुफ्तगू तो करें, दूर हो जाएंगे गिले शिकवे, बस जरा मिल के गुफ्तगू तो करें। बहुत शुक्रिया। और जख्म दिल के भी सिल ही जाएंगे, जख्म दिल के भी सिल ही जाएंगे, प्यार से बैठकर रफू तो करें, प्यार से रफू तो करें। बहुत शुक्रिया। और खुशबुएं खुद ब खुद ही पहुंचेंगी, खुशबुएं खुद ब खुद ही पहुंचेंगी, रूह गुलशन को खुबरू तो करें, खुशबुएं खुद ब खुद ही पहुंचेंगी, रूह गुलशन को खुबरू तो करें। बहुत शुक्रिया। और लुत्फ जीने में भी फिर आएगा, लुत्फ जीने में भी फिर आएगा, फिक्र से खुद को सुरहरू तो करें, फिक्र से खुद को सुरखरू तो करें। बहुत शुक्रिया। और गजल का मक्ता रखती हूँ कि आईने से छुपा है क्या मधुमन, आईने से छुपा है क्या मधुमन, खुद को बस उसके रूबरू तो करें, रूबरू तो करें, वाह, रूबरू तो करें, मंजिले आएंगी, राह पर एक कदम शुरू तो करें। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। एक और गजल से जोड़ती हूँ, बहुत खूबसूरत गजल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक और गजल से जोड़ती हूँ, ये अभी हाल में ही थी जी। तो मतलब यूं है कि पल खुशी के तो कभी आंख में पानी देगा, पल खुशी के तो कभी आंख में पानी देगा, वक्त हर रोज नई एक कहानी देगा, पल खुशी के, बहुत शुक्रिया, तो कभी आंख में पानी देगा, वक्त हर रोज नई एक कहानी देगा, और दिल मेरे छेड़ तू फिर वो पुराने किस्से। बहुत शुक्रिया। दिल मेरे छेड़ न तू फिर वो पुराने किस्से, जिक्र माजी तुझे बस अश्क पिशानी देगा, जिक्र माजी तुझे बस अश्क पिशानी देगा, और पेड़ कीकर के भी आएंगे कहीं राहों में, पेड़ कीकर के भी आएंगे कहीं राहों में, हर जगह तो वो नहीं रात की रानी देगा, हर जगह तो वो नहीं रात की रानी देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फिर आगे, बहुत शुक्रिया। और आगे शेर यूं है कि जिंदगी एक जगह पर ही रुकी है कब से, ये शायद लॉकडाउन वालों की तरह के उस पे से कह देती हूँ कि जिंदगी एक जगह पर ही रुकी है कब से, जाने कब आके इसे अब वो रवानी देगा, जाने कब आके इसे अब वो रवानी देगा। बहुत शुक्रिया। और बस इसी आस पे अटकी है मेरी जान अब तक, बस इसी आस पे अटकी है मेरी जान अब तक, कोई तो रुत वो कभी मुझको सुहानी देगा, कोई तो रुत भी मुझको सुहानी देगा, और लौट आएगा वो मौसम है भरोसा ये मुझे, लौट आएगा वो मौसम है भरोसा ये मुझे, फिर
फिर मेरे बाग को वो रंग फिशानी देगा, फिर वाह मेरे वाह बाग को वाह वो वाह, क्या रंग फिशानी देगा। कहेंगे, बहुत वाह शुक्रिया। और गजल का मकता यूं रखती हूँ कि दिल से कहने की तू कोशिश तो जरा कर मधुमन, दिल से कहने की तू कोशिश तो जरा कर मधुमन, तेरे अल्फाज को फिर खुद वो मानी देगा, तेरे अल्फाज को वाह फिर वाह, खुद वो मानी देगा। मानी दिल देगा, से वाह कहने की तू कोशिश तो जरा कर मधुमन, तेरे अल्फाज को फिर खुद वो मानी देगा, तेरे बहुत अल्फाज को फिर खुद वो वाह, मानी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया राजुल जी। और मुझे लगता है अब हम अगले राउंड की तरफ चलना है, या जैसा कहें मुझे आप राजुल जी, कहिए तो एक अगले राउंड में रखूं गजल। अच्छा ठीक है, आप आपका जैसा इच्छा हो आपकी। जैसे आप अरिता कहें जी। सचदेव जी ने कहा है, क्या कहने, आपकी लेखनी को सच्चत नमन किया है उन्होंने, बहुत और बहुत आभार, अभिनय गुप्ता जी ने बेहतरीन कहा है। थैंक यू बहुत सो उम्मीद से भरी इस खूबसूरत सी गजल के बाद एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मज्ञ जी को खूबसूरत गीत के लिए। एक सुंदर से गीत के बहुत लिए। बहुत सुंदर, आपकी फरमाइश उनको मेरे ख्याल से पता चल गई होगी, अब हम भी उत्सुक हैं सुनने के लिए जी। मधु जी के गजल के बाद जिसका हर शेर नायाब था, और शेर गजल के शेर में जो गहराई होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा गहराई थी, और क्या कहने, उसके बाद गी गजल के बाद गीत, वास्तव में ये अच्छा संयोग भी है और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, विधा भी चेंज होगी। तो आइए पहले एक मुक्तक और उसके बाद एक गीत रखता हूँ आपके सामने, फिर हम स्वागत मधु जी को फिर सुनेंगे। पतझर में भी मौसम हरा है ये तो सोचिए, ऐसा क्यों होता है, मतलब आज आदमी जो है मतलब कुछ अजीब अजीब कर रहा है, हमें कुछ अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसी एक बार सोचने के लिए प्रेरित कर रही है ये मुक्तक। पतझर में भी मौसम हरा है ये तो सोचिए, मन के कलश में क्या भरा है ये तो सोचिए, इतनी तरक्कियों के शिखर को भी चूम कर, इतनी तरक्कियों के शिखर को भी चूम कर, क्यों आदमी खुद से डरा है ये तो सोचिए, क्यों आदमी खुद से डरा है ये तो सोचिए। और आइए, जब सोचने की बात है तो हम जिंदगी के उस रफ्तार तक आपको लेके चलते हैं जहां आज पूरी दुनिया दौड़े जा रही है, भागे जा रही है, और किसी को ये पता नहीं कि उसे चाहिए क्या, उसे क्या मिलने पर वो सुकून मिलेगा, वो तृप्ति मिलेगी जिसके पीछे वो दौड़ रहा है। तो आइए एक गीत मैं आपके सामने रखता हूं। तेज रफ्तार थी जिंदगी की, मगर तेज रफ्तार थी जिंदगी की, मगर हम जहां से चले थे वहीं रह गए। जिंदगी में ऐसी ऐसी ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं या ऐसा महसूस सभी को होता है कि तेज रफ्तार थी। पूनम अहमद जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि गुप्ता जी जिंदगी के बेहद करीब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गजलों के लिए, उन्होंने लिखा है। तेज रफ्तार थी जिंदगी की, मगर हम जहां से चले थे वहीं रह गए। और गीत का पहला स्पर्श देखें। अधखिले स्वप्न की अनसुई आस को, इंद्रधनुषी वरुण का पता ही न था। अधखिले स्वप्न की अनछुई आस को, इंद्रधनुषी वरुण का पता ही न था। झील सागर नदी में, आप में से किसी का माइक अगर खुला है तो कृपया बंद कर दें।
अधखिले स्वप्न की अनछुई आस को इंद्रधनुषी वरण का पता ही न था। झील सागर नदी मेघ पीते रहे, झील सागर नदी मेघ पीते रहे, प्यास के व्याकरण का पता ही न था। उस भंवर में समाते रहे लोग खुद, उस भंवर में समाते रहे लोग खुद, जिंदगी के जहां आचरण बह गए, हम बहुत जहां सुंदर। से चले थे वहीं रह गए। और गीत का दूसरा बंद देखें, बूंद में कसम साती हुई वेदना, देखते देखते ही नदी हो गई। बूंद में कसम साती हुई वेदना, देखते देखते ही नदी हो गई। दांव पर अस्मिता फिर लगाई गई, दांव पर अस्मिता फिर लगाई गई, लाज फिर हार कर द्रौपदी हो गई, लाज फिर हार कर द्रौपदी हो गई, चीखती रह गई नींव विश्वास की, चीखती रह गई नींव विश्वास की, धड़कनों में सजोए महल ढह गए, तेज रफ्तार थी जिंदगी की मगर हम जहां से चले थे वहीं रह गए। और गीत का अंजलि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है बहुत ही शानदार शब्द संयोजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ऊर्जा हमें मिल रही है। और गीत का आखिरी बंद देखें, अनिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनिता सचदेव जी, अपने फैलाव में ही सिमटते रहे, गीत को महसूस करने का प्रयास आप सब लोग करिए, अपने फैलाव में ही सिमटते रहे, जितना बढ़ते रहे उतना घटते रहे, अपने फैलाव में ही सिमटते रहे, जितना बढ़ते रहे उतना घटते रहे, पूर्णता की अधूरी ललक पाल कर, पूर्णता की अधूरी ललक पाल कर, हम हजारों विकल्पों में बटते रहे, मन के संवाद का आचरण ढह गया, मन के संवाद का, मन के संवाद का आचरण ढह गया, मन के संवाद का आचरण ढह गया, शब्द कुछ कह गए अर्थ कुछ कह गए, शब्द कुछ कह गए अर्थ कुछ कह गए, तेज रफ्तार थी जिंदगी की मगर, तेज रफ्तार थी जिंदगी की मगर, हम जहां से चले थे वहीं रह गए, शब्द कुछ कह गए अर्थ कुछ कह गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत राजन जी, बहुत ही खूब, कितने अर्थपूर्ण बहुत और कितनी मधुर आपकी धुन और आवाज। सभी के कमेंट से हम सहमत हो रहे हैं, बहुत ही खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अंजलि गुप्ता जी ने जैसे कि कहा है कि ऊर्जा मिल रही है, तो सच में कह रहे हैं कि यहाँ पर ऊर्जा जी के पावर हाउस हैं, और उनके होते हुए तो ऊर्जा का ऐसा
दिव्य प्रवाह चल रहा है कि मैं तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना वशीभूत सी सुन रही हूँ, एकदम मंत्रमुग्ध सी सुन रही हूँ और झूम रही हूँ। कभी ज्ञानचंद्र जी अपने गीत की धुन पर मुझे झूमने को मजबूर कर देते हैं, और मधु जी का के गजलों का जो प्रवाह चलता है उसमें मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे गूंगे का गुड़। तो अब फिर से मैं उसी मिठास को उसी आवाज को आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मधु मधुमन जी। धन्यवाद राजू स्वागत जी। है और मधु जी। अभी ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी के गीत सुनने के बाद मुझे लग रहा है अब मुझे गीत ही कहने चाहिए, इतना मन गीत पढ़िए गीत पढ़िए, रहा है आपका ना उसमें जी। तो स्वागत कोशिश रहेगी कि है। अब आगे गीत भी ऐसे कहे जाएं, कोशिशें कुछ की हैं लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत है उसमें गीत वाकई में कहना। और प्रमिला जी खुद इतने खूबसूरत गीत कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो एक गजल से जोड़ती हूँ आप सबको। स्वागत सख्तियां स्वागत सह के भी तरल होना, सख्तियां सह के भी तरल होना इतना आसान नहीं है जल होना। क्या सख्तियां सह कहने, के भी वाह वाह तरल होना, वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह वाह इतना आसान नहीं है जल होना। राह कितनी भी हो कठिन चाहे, राह कितनी भी हो कठिन चाहे, जल ने सीखा नहीं विकल होना। जल ने क्या कहने, सीखा वाह नहीं वाह वाह विकल वाह, होना, बहुत वह सुंदर मंजिल बहुत बढ़िया। गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। बहुत शुक्रिया। और आसमां तक उड़ान भरने को, आसमां तक उड़ान भरने को लाजमी है परों में बल होना, लाजमी जी है परों वाह में बल होना। और एक शेर कुछ यूं हो गया इसमें हट के थोड़ा हकीकत का कड़वी, कि मेरे अपनों ने फेर ली आंखें, हाँ मेरे हाँ हाँ अपनों ने फेर ली आंखें, रास आया नहीं सफल होना। मेरे क्या अपनों कहने, ने वाह फेर ली वाह, आंखें, रास जिंदगी आया कैसे, नहीं सफल होना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत और सुंदर। बहुत शुक्रिया। और पर्वतों ने हमें सिखाया है, पर्वतों ने पर्वतों ने हमें सर हमें सिखाया है आपदाओं में भी अटल होना। क्या पर्वतों ने कहने, हमें सिखाया है वाह आपदाओं वाह में वाह भी अटल होना। और बहुत शुक्रिया। मन में दुनिया से रंजिशें रखकर, मन में दुनिया से रंजिशें रखकर बेसबब किस लिए गरल होना, बेसबब क्या किस कहने, लिए गरल वाह होना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत बहुत शेर है, शुक्रिया। बहुत और बढ़िया अगला शेर है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और प्रमिला जी, राधे श्याम यादव जी, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस शेर को आप काफी बहरो वजन को एक स्त्री के आभूषण और गजल को स्त्री मान करके सुनिएगा, कि काफिए बहरो वजन के बंधन, काफिए बहरो वजन के बंधन बहरो कितना दुश्वार है गजल होना, कितना क्या बात, दुश्वार है गजल होना। हाँ, बहुत शुक्रिया। कितना दुश्वार है गजल काफी होना, अच्छी अच्छी बात है, ये बहरो वजन के बंधन कितना दुश्वार कितना है दुश्वार है गजल गजल। होना। और गजल का मकता रखती हूँ, है सरलता में सुख मगर मधुमन, है सरलता में सुख मगर मधुमन, अब कठिन हो गया सरल होना, अब कठिन हो अरे गया वाह सरल वाह होना, सरलता वाह में वाह, सुख बहुत मगर सुंदर, मधुमन, बहुत अब कठिन बढ़िया, हो गया सरल होना। बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब एक बहुत गजल खूबसूरत, रखती हूँ, तरन्नुम से कोशिश करती हूँ स्वागत है। जी। दिए है पर तो परिंदों को फिर उड़ान भी दे, दिए है पर तो परिंदों को फिर उड़ान भी दे, उड़ान भरने को थोड़ा सांस मान भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब बहुत बढ़िया, तो कदम कदम पे अगर धूप दी है तो यार रब, कदम कदम अगर धूप दी है तो या रब, मेरे सफर में कहीं
साइबान भी दे मेरे वाह सपन में कहीं कोई साइबान भी दे। बहुत शुक्रिया। और खिलाफ जुर्म के आवाज जो उठा पाए, खिलाफ वाह जुर्म के आवाज जो उठा पाए, हर वाह एक शख्स के मुंह में तू वो जबान भी दे, हर एक वाह शख्स के मुंह में तू वो जबान भी दे। बहुत बहुत शुक्रिया और बढ़िया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चमन में फूल तो तूने खिला दिए भगवन, चमन में फूल तो तूने खिला दिए भगवन, संवारने को इन्हें कोई बागबान भी दे, वाह बहुत संवारने को इन्हें कोई बागबान भी दे। बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही शेर एक यूं हुआ है कि उतार दी है समंदर में कश्तियां तूने, वाह उतार दी है समंदर में कश्तियां तूने, तो रहबरी के लिए इनको बादबान भी दे, तो वाह क्या कहने रहबरी हैं। के लिए इनको बात बादबान भी दे। बहुत शुक्रिया। और दिए हैं हम जो नहीं उनका कुछ गिला मुझको, दिए वाह हैं गम जो नहीं उनका कुछ गिला मुझको, कभी तो पर कोई खुशियों की दास्तान सन भी दे, वाह कभी वाह तो वाह वाह कोई खुशियों की दास्तान भी दे। पर क्या गजल का कहने मतलब, बहुत शुक्रिया। कि इरशाद। सफर में पेच तो होंगे पता है मधुमन को, सफर में पेच तो होंगे पता है मधुमन को, सफर में पेच तो होंगे पता है मधुमन को, दुआ है बस यही कि इनका कुछ निदान भी आह दे, अच्छा दुआ अच्छा है बस यही कि इनका कुछ निदान भी दे, उतार दी है समंदर में कश्तियां तूने, तो रहबरी के लिए इनको बागबान भगवान दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। अनीता मेरी बहन बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है, बहुत शुक्रिया उसका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि, प्रमिला जी और राजुल जी, ज्ञान चन्मनमग्न जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा, और जैसे कहते हैं कि आप सिर्फ फूल तोड़ने गए थे और आपको साथ में फल भी मिल जाए, तो कुछ इस तरह के अनुभव आज की इस शाम के साथ मुझे होते जा रहे हैं। मधु जी की तरन्नुम में भी गजब की मिठास है और उनके बोलों में भी गजब की मिठास है, और छोटी बहनों की गजलों में इतनी खूबसूरती से वो इतनी बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं गागर में सागर भर देती हैं, बहुत तो इतनी सुंदर सी गजल के बाद अब एक खूबसूरत से गीत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय मर्मज्ञ जी को। स्वागत। फिर हम झूमने के लिए तैयार हो जाते बहुत राजुल जी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी और मधुमन जी और निवेदिता
श्रीवास्तव भी जुड़ गई हैं, सबका निवेदिता जी मतलब का जितने लोग जुड़े धन्यवाद हैं करती हूँ मैं भी। सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये इस कार्यक्रम का शायद मेरी तरफ से अंतिम गीत हो, तो एक मैं श्रृंगार का गीत पढ़ना चाहता हूँ। जिंदगी की स्वागत। बातें तो बहुत होती ही रहती हैं। गीत से पहले एक चार पंक्तियाँ देखिए। कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता, कभी बादल कभी झीलों के जैसा मन नहीं होता, बरसते प्रेम का अभिसार ये सावन नहीं होता। अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती, अगर सांसें तुम्हारी खुशबुओं से तर नहीं होती, यहाँ जंगल कई होते मगर चंदन नहीं होता, वाह यहाँ वाह जंगल कई होते मगर चंदन नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद राजुल जी और मधु जी। और ये देखिए, एक श्रृंगार की बात मैंने छेड़ दी, अब श्रृंगार का ही एक गीत मैं सुना रहा हूँ। मैं तो तटबंध पर यूं ही बैठा रहा, मैं तो तटबंध पर यूं ही बैठा रहा, तुम नदी बन के मुझ में लहरती रही, मैं तो तटबंध पर मौन बैठा रहा। राधेश्याम यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शुरू से ही जुड़े हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं। राधेश्याम यादव जी बेंगलोर के ही हैं और बहुत अच्छे मतलब काव्य प्रेमी भी हैं। मेरा भी नमस्कार उनको और आभार। स्वागत है। मैं तो तटबंध पर मौन बैठा रहा, तुम नदी बन के मुझ में लहरती रही, रात पूनम की यूं ना चहकती कभी, रात पूनम की यूं ना चहकती कभी, चांदनी बन के तुम ही पिघलती रही, मैं तो वाह तटबंध पर मौन बैठा रहा। और गीत का पहला देखे बंद देखें। सृष्टि ने जब रचा प्रेम का आचरण, सृष्टि ने जब रचा प्रेम का आचरण, तब तुम्हारे बदन से हटा आवरण, सृष्टि ने जब रचा प्रेम का आचरण, तब तुम्हारे बदन से हटा आवरण। नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया। नेटवर्क राजुल जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट मैंने किया था। मुझे लग रहा है कि मर्मज्ञ जी का शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका संपर्क टूट गया है हमसे तो, और अब वो नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो आदरणीय मधु जी से गुजारिश करूंगी। जुड़ गए हैं, मर्मज्ञ जी फिर से जुड़ रहे हैं शायद। और ये देखिए, प्रेम में हमेशा बाधाएं आती रहती हैं, ये बात आज सिद्ध हो देखिए, गया। नेटवर्क ये बात है। मैंने और प्रेम तो की बात और की और देखिए इंसान जो इंटरनेट माने चला ना गया। माने, चलिए इंसान और जो मैं माहौल उस गीत को है पूरा उसको करूं पूरा या करेंगे। मधु नहीं जी। नहीं हाँ नहीं नहीं आप पूरा करें, आप पूरा करें, आप पूरा कीजिए जी। तो मैं कह रहा था, सृष्टि ने जब रचा प्रेम का आचरण,
तब तुम्हारे बदन से हटा आवरण, मन की कोमल तरंगे मुखर हो गई, मन की कोमल तरंगे मुखर हो गई, गीत करने लगे प्रीत का अनुसरण, फूल खिल कर समाते रहे रूप में, फूल खिल कर समाते रहे रूप में, गंध सांसों को छू कर महकती रही, मैं तो तटबंध पर मौन बैठा रहा। और गीत का दूसरा बंद देखे, तुम अधूरे सृजन की हो संपूर्णता, तुम अधूरे सृजन की हो संपूर्णता, प्रेम रस में नहाई हुई सभ्यता, तुम अधूरे सृजन की हो संपूर्णता, प्रेम रस में नहाई हुई सभ्यता, वो तुम ही हो प्रकृति भी निहारा करे, वो तुम ही हो प्रकृति भी निहारा करे, रात दिन जिसके सौंदर्य की भव्यता, तुम अमर दिव्यता राधिका की हो जो, तुम अमर दिव्यता राधिका की हो जो, हर जन्म रूप अपना बदलती रही, मैं तो तटबंध पर मौन बैठा रहा। और गीत का तीसरा बंद देखे, मुस्कुराई तो खुशियों को घर मिल गया, इस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा इस बंद पर, मुस्कुराई तो खुशियों को घर मिल गया, गुनगुनाई तो झीलों को स्वर मिल गया, मुस्कुराई तो खुशियों को घर मिल गया, गुनगुनाई तो झीलों को स्वर मिल गया, मौन संवेदना व्यक्त होने लगी, मूक संवाद को स्वर प्रखर मिल गया, भोर की लालिमा की अचंभित किरण, भोर की लालिमा की अचंभित किरण, देख श्रृंगार तेरा चहकती रही, मैं तो तटबंध पर मौन बैठा रहा। और क्या गीत बात का है, आखिरी बंद बहुत दे रहा सुंदर सुंदर हूं, राजा आप हैं। बहुत ने बहुत ही इस सुंदर आखिरी आपने बंद सामूहिक में, नृत्य बताया जी। इस आखिरी बंद में मुझे लगता है कि गीत का पूरा सार आपको मिल जाएगा, श्रृंगार को लेकर मैं कहाँ तक पहुंचा हूं शायद इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। नेह अनुबंध की हो प्रथम नायिका, नेह अनुबंध की हो प्रथम नायिका, शब्द साकार गीतों की हो सारिका, नेह अनुबंध की हो प्रथम नायिका, शब्द साकार गीतों की हो सारिका, ध्वनि अधर पर मुखर हो तो ऐसा लगे, ध्वनि अधर पर मुखर हो तो ऐसा लगे, जैसे ब्रह्मांड में प्राण की भूमिका, ध्वनि अधर पर मुखर हो बहुत तो ऐसा लगे, जैसे ब्रह्मांड में प्राण की भूमिका, वक्त चलता रहा तेज रफ्तार से, वक्त चलता रहा तेज रफ्तार से, तुम समय बन के मुझ में
ठहरती नहीं, मैं तो तटबंध पर मौन वाह बैठा रहा, तुम नदी बन के मुझ में लहरती रही, रात पूनम की यूं ना पिघलती कभी, चांदनी बन के तुम ही पिघलती रही, मैं तो क्या बात तटबंध है, पर मौन बैठा रहा। बहुत क्या बहुत बात, धन्यवाद आप सभी का, क्या बहुत बात, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत दिव्या धन्यवाद त्रिवेदी मधु ने जी, कहा बहुत है, सुंदर। दिव्या त्रिवेदी बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, गद्य और कविताओं में इनका समान अधिकार है और बहुत संवेदनशील रचनाकार हैं। बहुत ही और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी को, और राधे श्याम सच में यादव जी भी लिख रहे हैं, आपका जैसे निवेदिता अद्भुत, श्रीवास्तव जी ने लिखा है अद्भुत गीत मर्मज्ञ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सब लोगों का इतना प्यार मिला, दुलार मिला, और शायद इसीलिए मैं कुछ पढ़ पाया, कुछ लिख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रमिला जी ने भी कितना सुंदर कमेंट किया है, अरे बहुत ही हाँ, शालीन ये श्रृंगार तो भी प्रमिला जी का सभी पंक्तियों बहुत बहुत में। हृदय से आह आभार करता हूँ। इस गीत में राजुल जी मैंने श्रृंगार को एक नया श्रृंगार देने का प्रयास किया, नया रूप देने का बहुत ही प्रयास सुंदर, किया बहुत है ही सुंदर। वो श्रृंगार स्वयं श्रृंगारित हुआ है आपके शब्दों जी। की, जो अमृत पाके वो स्वयं बहुत श्रृंगारित बहुत हो गया धन्यवाद, है और बांध लिया उस गीत ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब सुनती रहती हूँ मैं आप लोगों को, तो मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं, मैं ऐसे करके बैठी रहती हूँ। और एक रस को अंदर अपने आत्मसात करते हुए मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ रस की एक और अजस्र धारा को, आदरणीय मधु मधुमन जी, स्वागत आज है की मधु जी। शब्द। धन्यवाद राजुल जी, धन्यवाद ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सुनने के बाद तो लग रहा है उसी धुन में, उसी रस में हम सराबोर होते रहे। तो धन्यवाद चलिए मैडम। मैं जिंदगी की हकीकत से जोड़ती एक छोटी बहर की गजल रखती हूँ और उसके बाद एक कोशिश करूंगी गीत की मैं भी, यहाँ पर स्वागत है, बहुत एक्सेप्ट कीजिएगा जैसी भी होगी जी। स्वागत है, स्वागत। तो गजल यूँ रखती हूँ कि रिश्तों में अनुबंध नहीं है, रिश्तों में वाह, अनुबंध नहीं है, प्रेम में अब मकरंद नहीं है, रिश्तों में अनुबंध वाह, नहीं है, प्रेम में अब मकरंद नहीं है, जाने कैसा मौसम आया, जाने कैसा मौसम आया, फूलों में अब गंध नहीं है, एक ही वाह, घर में रहते बहुत हैं, खूब, बहुत शुक्रिया, एक क्या ही बात, घर में रहते हैं पर आपस में संबंध नहीं है, वाह एक ही घर वाह, में रहते हैं पर आपस में संबंध नहीं है, आज के जीवन की और महानगरों की ये त्रासदी है। सुनीता माहेश्वरी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो एक ही घर में रहते हैं पर आपस में संबंध नहीं है, और सूना लगता है जग सारा, सूना लगता है जग सारा, मन में गर आनंद नहीं है, सूना लगता है जग सारा, मन में गर वाह, आनंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। और क्यों रहना हर पल उलझन आनंद में, नहीं है, क्यों रहना हर पल उलझन में, जीवन है ये द्वंद नहीं है, क्यों वाह, रहना पल उलझन में, क्या कहने, जीवन वाह है ये वाह द्वंद वाह नहीं है। बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह वाह, शुक्रिया। और क्यों रहना हर पल उलझन में, जीवन है ये द्वंद नहीं है, एक डगर गर बंद है तो क्या, एक डगर गर बंद है तो क्या, हर रास्ता तो बंद नहीं है, एक डगर क्या गर बंद कहने, है तो वाह क्या, हर रास्ता तो बंद नहीं है, और क्या लिखे ये कलम सच्चाई, क्या लिखे ये कलम सच्चाई, सोच ही जब स्वच्छंद नहीं है, क्या लिखे ये कलम सच्चाई, बहुत सोच ही जब स्वच्छंद नहीं है, और जीवन की थाली में रखा हर पल सोच तो ही जब सब स्वच्छंद नहीं नहीं है, है। क्या कहने, वाह, शुक्रिया। तो जीवन की थाली में आवाज रखा, नहीं आ रही है। हाँ वाह, जी, जीवन की थाली में रखा हर पल स्वच्छंद नहीं, तो गुलकंद नहीं है, जीवन की वाह थाली में रखा हर पल तो वाह, गुलकंद नहीं नहीं है, है।
और गजल के क्या मुद्दे में अपनी फितरत में आ जाती हूँ कि विपदाओं में भी मधुमन की, विपदाओं में भी मधुमन की आस का दीपक मंद नहीं है, विपदाओं में भी मधुमन की आस का दीपक क्या मंद नहीं है, आस का दीपक मंद नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अपनी आखिरी प्रस्तुति एक गीत रखती हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ गीत, देखिएगा। स्वागत है। राह कितनी भी स्वागत है आपका, स्वागत है। चल चला चल, बहुत शुक्रिया। राह कितनी भी हो मुश्किल, चल चला चल, दूर हो कितनी भी मंजिल, चल चला चल। खेत खेते एक दिन तो नाव माझी पा ही जाएगा तू साहिल, चल चला चल, पा ही जाएगा तू साहिल, चल चला चल। और बंद रखती हूँ। क्या हुआ अगर राह में तन्हाइयाँ हैं, क्या हुआ अगर राह में तन्हाइयाँ हैं, दूर तक वीरानियाँ वीरानियाँ हैं, देख तो तेरे सफर में साथ तेरे चांद तारे भी हैं शामिल, चल चला चल। ये संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कुछ है, तो देख तो तेरे सफर में साथ तेरे चांद तारे भी हैं शामिल, चल चला चल। और तुझको चलना ही है बस ये ठान ले तू, कुछ नहीं दुनिया में मुश्किल जान ले तू, तुझको चलना ही है बस ये ठान ले तू, कुछ नहीं दुनिया में मुश्किल जान ले तू। खत्म होगा इम्तहां का दौर एक दिन, होगी मंजिल तुझको हासिल, चल चला चल, होगी मंजिल तुझको हासिल, चल चला चल। बहुत शुक्रिया। और अगला बंद रखती हूँ। वक्त आने पर छटेगा ही अंधेरा, वक्त आने पर छटेगा ही अंधेरा, ते है ये हर रात का है एक सवेरा, ते है ये हर रात का है एक सवेरा, याद रख ये सोट के की बात बस तू, हौसला मत खो मेरे दिल, चल चला चल, हौसला मत खो मेरे दिल, चल चला चल। और आखिरी बंद रखती हूँ। उसको रहती है खबर सारे जहां की, उसको रहती है खबर सारे जहां की, बहुत शुक्रिया। है उसे परवाह अपने गुलसिता की, वो करेगा पार तेरी नाव को भी, रख भरोसा उस पे कामिल, चल चला चल, रख भरोसा उस पे कामिल, चल चला चल, पाही जाएगा तू साहिल, चल चला चल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कोशिश की है गीत की, आप गीतों के बहुत सरताज सुंदर। नहीं, बहुत बहुत हैं, आपके बढ़िया। सामने छोटी सी कोशिश की है गीत की भी, और नहीं 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 बहुत अच्छा गीत बहुत आपने पढ़ा, बहुत अच्छा गीत आपने शुक्रिया, पढ़ा। बहुत शुक्रिया पुलिस जोशी जी, और सभी जिन्होंने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। किरण भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार, स्वागत 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 उन सबका, किरण जी। तुलसी जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत अलका प्रमोद जी शुक्रिया, भी बहुत हैं, आभार आपका सबका। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब आज की मैं अब प्रमिला जी का कमेंट पढ़ लेती हूँ कि मधुमन जी पहला भाग बाद में सुनूंगी, कमेंट देखिएगा, बहुत 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 अच्छी लगी गजल, गीत में भी। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रमिला जी, और मुझे राजुल जी से भी मिलाने के लिए, राजुल जी भी बहुत ही प्यारी हैं। मेरे लिए आज का दिन ऐसा रहा कि मैं उम्मीदों की बंसी पर झूमती रही, और बहुत सुंदर भाव के एक सुंदर सरोवर में मैं मेरा मन बिल्कुल मछली की तरह एकदम इधर से उधर, उधर से उधर तैरता रहा, घूमता रहा, और इन सब के बीच समय कब सरक गया मेरे हाथ से मुझे पता नहीं चला। एक बहुत अच्छी बात है ये स्ट्रीम यार्ड की कि हमारे पास एक सनद रह जाती है, एक हमारे पास हम संजो लेते हैं उसको। तो इस शाम को भी मैंने ऐसे ही बहुत पास से दिल से संजो के रखा है। कहीं पर बचपन में सुना करती थी, बहुत सारे लोगों को सुना है, और आज उसी माहौल में पहुंच गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आदरणीय अमरनाथ पांडे जी के गीत कहीं पर हैं, और कहीं पर बुद्धि सेन शर्मा जी हैं, उनकी गजलें सुन रहे हैं। तो कुछ इस तरह के भावों के बीच, कुछ इस तरह के रचनाओं के बीच आज की ये शाम मुझे देने के लिए आप दोनों विद्वजनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आज की शाम को। और मैं प्रकाशक पटेल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आज ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से मुलाकात का अवसर दिया, उनको सुनने का अवसर दिया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद। मर्मज्ञ जी का नेटवर्क शायद फिर से नेटवर्क भी। तो आज की शाम को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। सबको आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मधु जी एक बार फिर से धन्यवाद और नमस्कार, और ज्ञान जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद और नमस्कार सबको, नमस्कार।